So hey students, we've already done with the basic concept of separation. Now we will move on to the methods of separation. Methods, kya kya method use karenge? What methods are we using to separate things? First we should know what kind of things we want to separate. Kya wo solid solid hai? Kya wo liquid liquid hai? Wo kya hai? To sabse pehli baat, sabse simplest cheez hai, solid solid. Agar solid solid mix hua hai, to tum use kaise separate karoge? उसके लिए कुछ बेसिक चार चीज दूंगा. ओके, सबसे पहला है हैंड पिकिंग. पहला प्रोसेस क्या है? हैंड पिकिंग. व्हाट इज हैंड पिकिंग? वन मिनट. ओके, क्लियर. सो व्हाट इज हैंड पिकिंग? हैंड पिकिंग, हाथ से उठाना. वर्ड में ही तुम वर्ड को समझो. ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. डू नॉट, तोता की तरह इसको रट्टा मत मार लेना कोई भी चीज को, क्योंकि रट्टा मारा हुआ चीज कुछ दिन याद रहेगा फिर भूल जाओगे. जो बोला जाएगा उसको सुनो, समझो, प्रैक्टिस करो. और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे तुम अपने डेली लाइफ में उन चीज़ों को देखे होगे. मैं भी जितना भी प्रोसेस तुमको बताऊंगा, तुम पक्का इनमें से मैक्सिमम चीज़ घर में ही करते हो. कुछ चीज़ तुम नहीं करते, कुछ स्पेशल लोग करते, लेकिन तुम उसको देखे जरूर होगे. ओके, सबसे पहले हैंड पिकिंग मम्मी करती है, कभी कभी तुम भी करते हो. तुम खाना खा रहे हो, सपोज तुम मिक्सचर खा रहे हो, तुम्हें मूंगफली बहुत पसंद है, यू लव ग्राउंडनट्स. व्हाट यू डू, तुम उससे मिक्सचर से पहले मूंगफली हाथ से उठा उठा के खा लेते हो, राइट? दिस इज द प्रोसेस ऑफ हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग में क्या करते हैं, जिसका अलग शेप है, अलग कलर है, अलग साइज है, अलग दिख रहा है, जिसका अपियरेंस हम देख सकते हैं कि अलग है, उन चीजों को हाथ से अलग करना, दिस इज हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग इज द मेथड ऑफ सेपरेशन इन विच सम सॉलिड इंप्यूरिटीज और सॉलिड सब्सटेंसेस आर सेपरेटेड आउट. सॉलिड सब्सटेंसेस आर सेपरेटेड आउट बाय यूजिंग हैंड. ओके, ऑन व्हाट बेसिस आर यू सेपरेटिंग? यू आर सेपरेटिंग ऑन योर विजुअल इफेक्ट. तुम देख रहे हो कि वो कैसा दिख रहा है. क्या वो मतलब राउंड शेप का है, अलग कर दो. कुछ बच्चे हैं जो खाने में दाल में टमाटर नहीं खाते, ओनियन नहीं खाते, वो क्या करते हैं, दाल से पहले हाथ से टमाटर निकाल के बाहर कर देते हैं. तुम में से कोई महापुरुष तो पक्का ऐसा होगा, मैं कंफर्म हूं. कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, ओनियन ओनियन लेके अलग कर देते हैं. समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज जो है हैंड पिकिंग से हो पाता है. क्लियर? ये कब हो पाएगा? मेनली जब मिक्सचर का अमाउंट कम होगा या फिर मिक्सचर में इंप्यूरिटीज का अमाउंट कम होगा. अगर मैं तुम्हें एक, ये जो रूम है मेरा, यहां चावल भर दूंगा और बोलूंगा हाथ से तुम निकालो कंकड़. चावल से कंकड़ निकालते हैं, हाथ से निकालते हैं हैंड पिकिंग से. अगर बोलूंगा तुमको इतने पूरा घर फुल कर दो, बोलूंगा करो, ये मुश्किल हो जाएगा. मिक्सचर जो है या इंप्यूरिटी जो है वो कम होगा, तुमको एक प्लेट में इतना दिए निकालो बोले कि तुम आराम से निकाल दोगे. आधा एक घंटे का काम है, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, ठीक है उतना. लेकिन अगर अमाउंट ज्यादा हो गया ना, हैंड पिकिंग काम नहीं देता. समझ में आया? अमाउंट जब ज्यादा हो जाता है, हम उसे हैंड पिकिंग से सेपरेट नहीं करते. क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? ओके, सो हैंड पिकिंग का आइडिया आ गया तुमको, नोट्स में दिया हूं, उसको देखना. सेकेंड चीज तुम्हारा है, वन मिनट, सीविंग. सीविंग, अच्छा देखो, हैंड पिकिंग का यहाँ पर डायग्राम दिया भी है. ये हैंड पिकिंग है, चावल से पेबल्स, स्मॉल स्टोन्स निकाल रहे हैं. ओके, एक और चीज है यहाँ पे, सीविंग. ये देखो, इस चीज को पहचानते हो तुम? इसको हिंदी में छन्नी बोलते हो, छन्नी, और उड़िया में चालुनी. ओके, मीन्स एक ऐसा डिवाइस है, एक डिवाइस है सीव, सीव, SIEVE, सीव. तो सीव एक ऐसा डिवाइस है जिसमें बहुत सारा होल्स है. मम्मी लोग किचन में रखे होंगे, जरा किचन जाके झांक लोगे तो पता चल जाएगा. बहुत सारा होल्स है जिससे कि छोटा छोटा चीज, फाइन सब्सटेंस, हम छोटे जिसको बोलते हैं फाइन, स्मॉल के जगह हम लोग यहां वर्ड यूज कर रहे हैं फाइन, यानी काफी छोटा फाइन सब्सटेंसेस अंदर पास कर जाएगा और नीचे गिर जाएगा, और जो बड़ा बड़ा सब्सटेंस है वो सीव के ऊपर ही रह जाएगा. लाइक यू माइट हैव सीन योर मदर्स, दे डू सीविंग विथ फ्लोर. फ्लोर मतलब आटा, व्हीट फ्लोर मतलब आटा. आटा को एक बार ऐसा क्या करते हैं, सीविंग करते हैं. तो अगर उसमें कोई गेहूं
या कोई कंकर रह गया है तो वो ऊपर ही रह जाएगा, इम्प्योरिटी है, हम फेंक देंगे। और जितना प्योर आटा नीचे निकला है ना वो हम यूज कर लेंगे। समझ में आ रहा है सीव क्या है? सीव इज एन इंस्ट्रूमेंट विथ मेनी स्मॉल होल्स विच अलाउज द स्मॉल पार्टिकल्स टू गो आउट एंड द लार्जर पार्टिकल्स रिमेन एट द सीव। छोटा छोटा पार्टिकल्स बाहर निकल जाता है होल्स के थ्रू, बड़ा पार्टिकल्स सीव में रह जाता है। तो सीविंग क्या है? इट इज ए प्रोसेस इन विच वी सेपरेट द फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम लार्ज पार्टिकल्स। फाइन पार्टिकल्स को बड़ा पार्टिकल से अलग करते हैं, छोटा छोटा पार्टिकल्स को बड़ा पार्टिकल से अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ व्हाट? सीव। ओके, इसका और एक डेफिनेशन, दो डेफिनेशन लिखाया हूं तुम्हें जो अच्छा लगे लिखना। एक में लिखाया हूं इट इज अ मेथड ऑफ सेपरेशन वेयर फाइनर पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम लार्जर पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ सीव। ये तो समझा दिया। दूसरा है इट इज अ मेथड ऑफ सेपरेशन वेयर कॉम्पोनेंट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस आर सेपरेटेड। कॉम्पोनेंट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस आर सेपरेटेड मतलब अलग अलग साइज के कॉम्पोनेंट को हम अलग कर देंगे बाय द हेल्प ऑफ सीव। दोनों का मतलब एक है, तुम्हें जो जल्दी समझ में आए, जो जल्दी याद रहे याद कर लेना, नो प्रॉब्लम। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है थ्रेशिंग। थर्ड तुम्हारा जो टॉपिक है वो है थ्रेशिंग। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय थ्रेशिंग? पैडी का पेड़ देखे हो तुम लोग, तुम्हारा जो राइस होता है, ओके, पैडी, उसमें लंबा सा स्टॉक होता है, तुम देखे होगे, ऊपर छोटा सा ग्रेन है, लंबा सा स्टॉक है। अब इस ग्रेन से उस स्टॉक को निकालना है, जो लंबा सा नीचे लंबा सा एक फाइबर जैसा होता है उसको हम बोलते हैं स्टॉक, STALK स्टॉक। ओके, तो उस ग्रेन को स्टॉक से निकालना है। क्लियर? कैसे निकालेंगे? बाय थ्रेशिंग। थ्रेशिंग इज ए प्रोसेस इन विच द ग्रेन्स एंड द स्टॉक आर सेपरेटेड। ग्रेन्स को और स्टॉक को अलग कर देंगे, दैट इज कॉल्ड एज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग होता कैसे है? पुराने जमाने में ये लोग पैडी का जो पेड़ है उसको काटने के बाद डाल देंगे नीचे, ओके, और लकड़ी से मारते थे। तुमने शायद टीवी में देखा होगा या कहीं गांव में अगर तुम गए हो घूमने देखे होगे, आज भी करते हैं वो चीज। प्लस उसके साथ साथ और एक चीज करते हैं, एनिमल्स को उसके ऊपर चलाते हैं, एनिमल्स को। तो क्या होगा, वो ग्रेन और जो तुम्हारा ये है स्टॉक है वो कनेक्शन जो है टूट जाता है। तो ग्रेन्स अलग, स्टॉक अलग। समझ में आ रहा है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग। थ्रेशिंग मीन्स सेपरेटिंग द ग्रेन्स एंड द स्टॉक। क्लियर? ओके, ये थ्रेशिंग करते कैसे हैं? इसके लिए दो मशीन आता है। सबसे पहला वाला है थ्रेशिंग मशीन, थ्रेशिंग मशीन। ओके, उसमें तुम पूरा पैडी का वो पूरा पेड़ डालोगे ना तो ग्रेन्स अंदर रह जाएगा और जितना स्टॉक है सब बाहर फेंकते हुए आएगा। ओके, दूसरा है कंबाइन हार्वेस्टर। कंबाइन का मतलब देखो, कंबाइंड एक ऐसा मशीन है जो दो काम करता है, हार्वेस्टिंग भी करता है, थ्रेशिंग भी करता है। हार्वेस्टिंग मतलब काटना। तुम सुने होगे आजकल तो एग्रीकल्चर में बहुत डेवलपमेंट आ गया है। एक मशीन क्या करता है, काटता है। जब पेड़ है ना, मशीन चला देंगे तो अपने आप काटते हुए पेड़ों को अपने अंदर डाल लेता है। ये हुआ हार्वेस्टर। तो उसी हार्वेस्टर में कंबाइन भी अटैच, उसी हार्वेस्टर में थ्रेशिंग मशीन भी अटैच होता है। हार्वेस्टर और थ्रेशिंग मशीन अटैच है, कंबाइन में है, इसीलिए बोलते हैं कंबाइन हार्वेस्टर। क्लियर? समझ में आ रहा है? गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? क्लियर? पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। इसको इमेजिन करना, कोई भी सब्जेक्ट हो उसको इमेजिन करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि बस पढ़ लेंगे, रट्टा मार लेंगे, नहीं, उसको इमेजिन करो सच में ऐसा क्या होता है। तुम जितना अच्छा इमेजिन करोगे तुम उतना अच्छा स्टूडेंट बन पाओगे। समझ में आया? ये प्रैक्टिस थोड़ा करो, क्लास सिक्स में हो, अगर तुम करते हो अच्छे से तो आगे बहुत इंप्रूवमेंट होगा। ओके, ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज विनोइंग। विनोइंग, ठीक, तुम थ्रेशिंग किए, नीचे का स्टॉक तो निकाल दिए, लेकिन अभी भी ग्रेन्स के ऊपर एक छिलका काइंड का है कि नहीं, एक छिलका की तरह है ना, उसको हम बोलेंगे चैफ या हस्क। चैफ का स्पेलिंग है CHAFF, हस्क का स्पेलिंग है HUSK, चैफ या हस्क। इस चैफ या हस्क को उस ग्रेन से निकालना है। कैसे खाते हो चावल?
उस छिलके के साथ खा लेते हो क्या? नहीं, बिना छिलके खाते हो। तो अभी ग्रेन को और छिलके को अलग करना है। ग्रेन को और छिलके को अलग कैसे करेंगे? हाउ टू सेपरेट इट? सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, यू हैव टू डू विनोइंग। तुम जब उसको थ्रेशिंग किए हो ना, तो ऊपर का छिलका जो है वो हल्का हो गया है, वो लूज हो गया है, वो उतना टाइटली नहीं है। तो क्या करना है? विनोइंग मतलब, ये चीज तुम पक्का देखे होगे। ये देखो, एक प्लेस में तुम क्या करोगे, ग्रेन को लोगे और उसको ऊपर के हाइट से नीचे डालोगे। जब नीचे डालोगे तो हवा चलेगा, जब हवा चल रहा है ये चीज करना, ठीक है? हवा चलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो हस्क है या चाफ है वो हल्का है, लाइटर है, तो उसके साथ जो ग्रेन्स है वो हैवी है। क्लियर? तो जब तुम नीचे डालोगे तो ग्रेन्स जो है वो नीचे गिरेगा, लेकिन जो हस्क है वो थोड़ा दूर जाके गिरेगा, उड़ जाएगा हवा के लिए, वो उड़ जाएगा। पहले जमाने में हवा आने का इंतजार किया करते थे, लेकिन आजकल बड़ा बड़ा फैन या बड़ा बड़ा कूलर यूज करके विनोइंग कर लेते हैं। विनोइंग इज ए प्रोसेस इन विच ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम चाफ एंड हस्क। चाफ और हस्क से ग्रेन को अलग करेंगे बाय द हेल्प ऑफ विंड। क्लियर? सपोज तुम इधर ऐसा डाल रहे हो, ओके, तो ठीक नीचे गिरेगा ग्रेन और हस्क गिरेगा उड़ के उस तरफ। समझ में आया? जहां पे ग्रेन गिरेगा नीचे फ्लोर पे, जहां पे ग्रेन गिर रहा है, सोचो ये फ्लोर है, यहां पे ग्रेन गिरा, यहां पे हस्क गिरा, यहां ग्रेन यहां हस्क। जहां पे ग्रेन गिरता है उसको बोलते हैं थ्रेशिंग फ्लोर। क्या बोलेंगे? थ्रेशिंग फ्लोर। ओके, थ्रेशिंग फ्लोर, याद रखो ये वर्ड। क्लियर? और जब भी विनोइंग करना है ना, उससे पहले थ्रेशिंग करना है। थ्रेशिंग करके पहले स्टॉक निकालो, और थ्रेशिंग में ही जो ऊपर का जो हस्क है ना वो ढीला पड़ जाता है, तो विनोइंग करने में आसानी होता है। क्लियर? समझ में आया? ओके, सो आज के लिए इतना ही। थोड़ा इसको पढ़ो, नोट्स लिखो, पूरा मुझे सबमिट करो आज शाम तक सारा नोट्स। आज ही तारीख है 14 जुलाई, आज ही सारा नोट्स सबमिट करो मेरे को शाम तक लिख के। व्हाट्सएप पे मैं चेक कर लूंगा एक बार, कल फिर नया वीडियो दूंगा, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है? डाउट रहेगा कॉल करो मेरे को, पूछ लो, मैं समझा दूंगा। ओके, हैव अ गुड डे।